नमस्कार किसान भाइयों, मैं चंदन शर्मा, कैसीफाई मंडी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले जानते हैं राजस्थान की मंडियों में 29 अक्टूबर को क्या रहे गेहूं के दाम। विजयनगर में 1962, मालपुरा में 1911, सूरतगढ़ में 1877, लालसोत में 2121, मंडावरी में 2050, गंगापुर सिटी में 1907, कोटा में 2127, बेगू में 2050, उदयपुर में 1850, बस्सी में 1980। आपकी नजदीकी मंडी में क्या रहे गेहूं के दाम, किसान भाइयों कमेंट करके अवश्य बताइए। अब जानते हैं सोयाबीन के दाम। कोटा में 5571। अब जानते हैं उड़द के दाम। विजयनगर में 6570, मालपुरा में 5500, कोटा में 6100, बस्सी में 4470। किसान भाइयों उड़द की दो उन्नत किस्मों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसान भाइयों अब जानते हैं मक्का के दामों को। ब्यावर में 2200, विजयनगर में 2192, मालपुरा में 2375, लालसोत में 2000, कोटा में 1652, उदयपुर में 1550। किसान भाइयों मक्का में लगने वाले दो रोगों के नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। किसान भाइयों कृषिफाई मंडी समाचार में अब वक्त है सरसों के भाव जानने का। मालपुरा में 8150, सूरतगढ़ में 7280, लालसोत में 8000, मंडावरी में 8325, जोधपुर में 6650, गंगापुर सिटी में 7949, कोटा में 7371, बस्सी में 6550। किसान भाइयों इस साल आपको सरसों के क्या दाम मिले कमेंट करके अवश्य बताइए। अब जानते हैं कपास के दाम। विजयनगर में 8440, सूरतगढ़ में 8885। किसान भाइयों अब जानते हैं चना के दाम। मालपुरा में 4681, लालसोत में 4600, मंडावरी में 4607, गंगापुर सिटी में 4666, कोटा में 4625, उदयपुर में 4700, बस्सी में 3900। किसान भाइयों जैसा कि आपने कमेंट किया था कि तिल के भाव भी आप शो में जरूर बताइए, इसलिए मैं आज आपके सामने तिल के भाव लेकर आया हूँ। चलिए जानते हैं तिल के क्या रहे राजस्थान में दाम। मालपुरा में 10,700, लालसोत में 9,875, मंडावरी में 9,908, कोटा में 10,055, बस्सी में 9,780। किसान भाइयों कृषि पर मंडी समाचार में आज के लिए बस इतना ही। पर जाने से पहले कल के जवाब सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। कपास की दो उन्नत किस्में DC H32 और H8। इसके बाद किसान भाइयों मैं आज आपसे फिर से एक सवाल पूछूंगा कि कपास में लगने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। इसका जवाब किसान भाइयों मैं कल के शो में अवश्य दूंगा। आप कमेंट करके अभी जरूर दीजिए।